अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं जाचा वाला मिलियनेयर। मेरे साथ है एहसन साहब। एहसन साहब स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं और आपको भी मैं सिखाने जा रहा हूं स्टेशनरी का बिजनेस। स्टेशनरी के बिजनेस के बारे में हिस्टोरिकली मैंने ये बोला है कि ये मरता हुआ बिजनेस है, इसके अंदर दाखिल नहीं होना। लेकिन आज जो आपको मैं हरबे देने जा रहा हूँ दैट वुड गिव यू एन एडवांटेज उन सब दुकानों में जो अभी खुली हुई हैं, बिकॉज फॉरेन में भी ये काम होता है लेकिन अब उसको सिर्फ स्टेशनरी नहीं बोला जाता, उसमें जितने भी कॉम्प्लीमेंटिंग चीज़ें हैं ना वो अंदर घुसाई जाती हैं, उनसे भी पैसा कमाया जाता है और आजकल इसको ऑफिस सप्लाई स्टोर बोला जाता है। ठीक है एहसन साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब ये जो दुकान है इतनी बड़ी एक मरले की, इसमें जो स्टॉक पड़ा हुआ और इक्विपमेंट पड़ी हुई है, क्योंकि स्टॉक के अलावा इनके पास सामान है जिससे ये सर्विसेज देते हैं, कितने का आता है, कितने का सेटअप लगेगा इनको अगर ये खोलने जाएंगे तो? तकरीबन 5 to 6 lakhs। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बिजनेस में दो ज़राए इनकम है, एक है सर्विसेज, एक है एक्चुअली स्टॉक बेचना। स्टॉक में क्या प्रॉफिट मार्जिन है? स्टॉक में तकरीबन 50% है। और जो सर्विसेज है? सर्विसेज में ऑलमोस्ट तकरीबन ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्विसेज चाहिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए तकरीबन 100%, बाद में 200% भी हो जाता है ज़्यादा सर्विसेज, क्योंकि वो सर्विस है। ठीक है, उसमें आपकी अपनी हिम्मत। एहसन भाई स्कूल एफिलिएशन के बारे में आप क्या कहते हैं, फ़ायदा होता है कि नहीं टू बी एफिलिएटेड विद अ स्कूल या चेन वगैरह वगैरह? डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। मैं यूनिफॉर्म की जाविये से एंड सिलेबस के जाविये से बात कर रहा हूँ, दोनों में सही बात है। अगर स्कूल आपके साथ अटैच है आप यूनिफॉर्म ऐड कर सकते हो, उसके अलावा भी लोग ले जाते हैं, लेकिन स्कूल जब अटैच है आपको पता है कि वो ले के जाएंगे, उतने जितने स्टूडेंट्स हैं उतना तो ले के जाएंगे। इसी तरह जो बुक्स हैं आपकी वो भी सेल आउट हो जाएंगी। क्या आप किसी सिलेबस की किताब रखते हैं? नहीं हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि एक तो सिलेबस चेंज होने का, जैसे बाद का तो आपके पास स्टक हो जाते हैं माल, इस वजह से नहीं था स्टार्ट किया। अगर इनमें से कोई सिलेबस रखता तो छोटी स्कूलों की रखे या बड़ी जो अभी रटे वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनका रखे, कॉलेजेस का? दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। जो छोटी क्लासेज हैं उनका यह है कि उनका सिलेबस कंटिन्यू रहता है लेकिन उसमें मार्जिन कम है। जो बड़ी क्लासेज हैं उनका सिलेबस चेंज हो सकता है, टीचर अपनी मर्जी से बुक चेंज कर सकता है लेकिन उसमें मार्जिन आपके पास ज़्यादा है। अच्छा एहसन साहब ये सामान कहाँ से आता है? ये सामान ज़्यादातर हम तो लाहौर से मंगवाते हैं, वैसे तो कराची से भी मार्केट थोड़ी शायद सस्ती होगी इससे, लेकिन यह है कि क्योंकि हमारे करीब लाहौर पड़ता है वहाँ से सामान एक दिन में आ सकता है, इस वजह से हम प्रेफर लाहौर को ही करते हैं। लेकिन कराची सस्ता है, बस इनको वो जो लाने का खर्चा है ना वो ज़्यादा पड़ जाता है, और हर शहर में बड़े शहर में उर्दू बाज़ार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस्लामाबाद पिंडी में भी है, पिंडी में भी उर्दू बाज़ार का हमने विजिट भी किया लेकिन उसके रेट थोड़े से लाहौर के नस्बत महंगे हैं। गुड हो गया, अपनी अपनी करीबी जो भी मार्केट है उसके हिसाब से आप ने ख़रीदारी करनी है। कितना मैटर करता है कि आप किसी स्कूल के करीब हैं, कॉलेज के करीब हैं वगैरह वगैरह? स्कूल्स वगैरह के करीब होने से ज़ाहिर बात है ज़्यादा आपको बिजनेस मिलेगा, आप उनके करीब होते हैं वो भी प्रेफर करेंगे कि बंदा करीब हो हम उनसे सर्विसेज ले सकें। आपने सर्विसेज का जिक्र किया, सर्विसेज में क्या क्या होता है? सर्विसेज में फोटोकॉपी है, प्रिंटिंग है, कलर प्रिंटिंग है, इसके अलावा बाइंडिंग आ जाती है, थीसिस बाइंडिंग है, स्पाइरल बाइंडिंग है, टेप बाइंडिंग चल रही है, और पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। पेनाफ्लेक्स में भी आप चले गए? जी जी। दैट्स गुड। ये आपको कह रहा था ना कि सिर्फ इसको स्टेशनरी शॉप पेन पेंसिल नहीं आपने सिर्फ बेचनी, आपने अब आगे देखना है कि बिजनेसेस को किस चीज़ की जरूरत है। दैट्स अ गुड सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जो सिर्फ आप लोग करते हैं और ये कितनी ज़रूरी होती है टू हैव अ मुनफरद एक अलग सर्विस स्टेशनरी वाले बिजनेस में? थीसिस कंपोजिंग जो है ना वो कोई भी नहीं उसको छेड़ता, वो ये कि हम लोग थीसिस कंपोजिंग करनी है या उसको फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट सेट करने हैं, बाकी चीज़ें वो सारा हम अरेंज करते हैं। उसके अलावा उसकी बाइंडिंग जो है ना वो हम अगेन बाहर से करवाते हैं लेकिन करवा के देते हैं। ठीक, आप ही क्यों करते हैं अगर बाकी ने इसको हाथ लगा रहे तो आप क्यों इसको हाथ लगा रहे हैं? उसकी एक वजह हमारा बैकग्राउंड है, क्योंकि हमने खुद यूनिवर्सिटी लाइफ में ये चीज़ें करके हम इधर आ चुके हैं। मैं खुद एम फिल कर चुका हूँ, तो दो दफ़ा थीसिस किया और चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा कि थीसिस किस तरह अरेंज किया जाता है, किस तरह होता है, इस वजह से ही वो सारा इधर काम आ रहा है। एहसन भाई इस बिज़नेस में सिलेबस की किताब ज़्यादा बिकती है या गाइड बुक्स? गाइड बुक्स ज़्यादा बिकती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है और उसमें हेल्प आउट स्टूडेंट को ज़्यादा कर रहे होते हैं, जो चीज़ें बुक में है उसके अलावा लिखा होता है, रट्टे के ऊपर रट्टा। यस अफसोस। एहसन भाई आपने ना प्रिंटिंग सर्विसेज की बात की है तो मुझे ये ठीक ठाक HP का ये तोशीबा का बड़ा हासा जो प्रिंटर है मेरे, क्योंकि सारे ये अपना बिजनेसमैन एंटरप्रेनर्स हैं इनके ऑफिस में अच्छा जचेगा। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? दिस कॉस्ट अराउंड 60 to 70,000। सेकंड हैंड या ब्रांड न्यू? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड। ब्रांड न्यू कितने का कॉस्ट करेगा? रफ आइडिया है कि अबव 2 lakhs। मिलियनेयर आपने ये प्रिंटर एक जगह पे रख लो, छोटी सी दुकान है आउटसाइड ऑफ जहाँ पे वो क्या कहते हैं सरकारी सर्विसेज होती हैं नादरा वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स की जगह पे, बिजी जगह पे,
तो आप इसकी पूरी की पूरी फ्रेंचाइज खोल सकते हो, 10-10, 20-20 दुकानें खोल दो सिर्फ ये प्रिंटर रखे, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। दैट्स टू बिजनेस आइडियाज एक ही वीडियो के अंदर। ये जो पेनाफ्लेक्स आप करते हैं, इसके लिए कौन सी मशीनरी की जरूरत होती है? इसके लिए वो फ्लेक्स की बड़ी मशीन होती हैं, उसमें इंक्स यूज होती हैं, लिक्विड इंक्स। कहाँ पड़ी हुई हैं? यहाँ पे नहीं है, फ्लेक्स प्रिंटिंग हम बाहर से करवाते हैं। अच्छा, बाहर से करवाते हैं, राइट। उसमें क्या मार्जिन है इसमें? अगर हम तो क्योंकि बाहर से करवा रहे हैं तो इसलिए हमें तकरीबन 33% मार्जिन मिल रहा है। एहसन भाई, आपके इस बिजनेस में ग्रोथ प्लान्स क्या? इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज दें, जो चीज़ कमियाँ हैं, जो कटाइयाँ हुई हैं कहीं, वो रिमूव करें और आगे बेहतर अंदाज में बढ़ सकें। एहसन भाई, आपने इस बिज़नेस को शुरू करने के वक्त बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, हर बंदा करता है, इंसान करता है, 2-3 हमें बता दें जो ये उससे बच जाए। पहली गलती, ये चार्ट पेपर आपके सामने पड़े हुए हैं, ये इस तरह नहीं पड़े होने चाहिए, इनको प्रॉपर खानों में होना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, दूसरा कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई थी जो इनिशियल में ज़रूरी भी थी, जैसे डस्टर हो गया, डस्टर हम शुरू में नहीं थे लाए, जैसा कि और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमसे मिस हो गई थी। ये मुझे ना छोटी गलती महसूस हो रही है, कोई बड़ी गलती बताए। इसमें बड़ी गलती तो यही है कि शायद जल्दी नहीं शुरू किया, मैं अब तकरीबन 30 में मैंने आके ये स्टार्ट किया। मैं इंजीनियरिंग करके जब फारिग हुआ था तकरीबन 22 का था, तो तकरीबन 8 साल पहले मैंने किया होता तो शायद अब हमें इस्टेब्लिश बिजनेस चला रहा होता। एक और गलती इसमें ये थी कि जो लोकेशन है इसमें थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, शायद वो थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो अगर बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर होता तो शायद जो है ना वो बेहतर होगी। मेरे मिलीनियरों को कोई एडवाइस दे दें ज़िंदगी की? इसमें यही है, मैं अब खुद जो है ना वो BSc इंजीनियरिंग मस से करके नस से MS करने गया, तो उस टाइम पे यही था कि जैसे नस से MS कर लिया वो बहुत बड़ा, उसको फौरन जॉब मिल जाएगी। इस्लामाबाद वाली नस इस्लामाबाद से। लेकिन जो है ना इसका यही इफेक्ट है, सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि वो स्किल्स नहीं मुझे सिखाए गए जिससे मैं इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकता है। शायद मेरे से सीखने में कोई कठिनाई हुई हो, लेकिन मुझे डिग्री तो मिल गई, इसका मतलब है मैंने सीखना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं मुझे मिल सका। तो इस लिहाज से बेहतर ये है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। डिग्री को आप एंडोर्स करते हैं इस ज़माने की कि नहीं, जो अभी रटा कराया जा रहा है? अभी बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता। मेरे जैसे सोच आपकी जिंदाबाद, ठीक है, मिलीनियरों वाली सोच है। अच्छा जी एहसन भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी है अमेरिका में, UK में, फिजिकल स्टोर उसके शायद कम हो रहे हों क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है एंड वो उसको मार दे रही है, बट ऑनलाइन ठीक ठाक वो बेचते हैं। उस स्टोर का नाम है स्टेपल्स, वो अपने आप को ऑफिस सप्लाई स्टोर बोलते हैं, और ये अगर एक मरले का है तो वो 20-30 का होता है, यानी कनाल, डेढ़ कनाल का स्टोर होता है, और जब उसमें आप दाखिल होते हो तो उसका ये प्लान मैं भी चिपकाने वाला हूँ, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ऑन द राइट हैंड साइड आपको शुरू में क्या मिलता है, सारा पैकेजिंग वाला मटेरियल, ई कॉमर्स फैल रही है, सो हर बंदे को जो पार्सल भेजने वाला डब्बे, वो हाकी कागज़, वो सेलोटेप्स, वो यहाँ पे देते हैं, वो जो गुब्बारे वाले बबल रैपिंग नहीं होती वो वगैरह। फिर आप अंदर चले जाते हो, एक एक आयल में आपको स्टेशनरी मिलेगी, सस्ती वाली भी मिलेगी, महंगी वाली भी मिलेगी, किताबें नावल नहीं मिलेंगे आपको, ये कॉपियां जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ढेरों सारी पड़ी हुई हैं कॉपियां वगैरह वगैरह, लेकिन उसी स्टोर में क्योंकि वो ऑफिस सप्लाई कर रहे हैं। आप सोचें कि ITs एंड इंडस्ट्री जो यहाँ पे एक साल में दुगनी हुई है, सो 1 बिलियन से 2 बिलियन हम हुए हैं, बट अगले 5 सालों में 30 बिलियन तक जा रहे हैं, यानी अनदर 15 गुना हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दैट मीन्स कि ढेरों सारे नए IT के ऑफिस खड़े होंगे, उनके लिए क्या चाहिए आपको? सो मॉडर्न जो स्टेशनरी वाली शॉप है स्टेपल्स ही कर लो, कंप्यूटर रिपेयर वहाँ पे होती है, वहाँ पे हेडफोन्स बिकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स बिकते हैं, कुर्सियाँ बिकती हैं ऑफिस वाली, टेबल्स बिकते हैं, कॉफ़ी मशीन्स बिकती हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स बिकता है, प्राइसिंग वाला माल बिकता है, कंसल्टेंसी बिकती है वहाँ पे, प्रिंटिंग कौन सी होती है यार, ये पेंस को कस्टम कर लो, बिजनेस कार्ड बना लो, कोई जी ऑफिस का टूर हो रहा है तो वो शर्ट्स पे प्रिंटिंग हो रही है वगैरह वगैरह। सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और जहाँ तक इनकी मार्केटिंग जाती है, मैंने इनसे पूछा मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जी मेरे पास फेसबुक का पेज है, और शुरू में जो ताल्लुकात थे उनसे बस जाकर उनको बता दिया कि जी अब आप मेरे से लिया करें। जबकि मैंने इनको जो एडवाइस दी है, मैंने कहा ये हम जिस सड़क पे भी खड़े हैं, कोठली रोड इसका नाम है, मेरा ऑफिस इतने दूर नहीं है यहाँ से, इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियाँ, बैंक है, एक्सेट्रा, आप अपने जो टॉप 10 रनर्स हैं जो ऑफिस को चाहिए होते हैं 10 आइटम्स, वो लें और हर ऑफिस पहुंच जाया करें हर महीने बाकायदगी से। सो हर 30 डेज के बाद उसी ऑफिस में आपने जाना है। स्टेशनरी ऐसी चीज़ है कि हम लोग ना उसको याद नहीं रखते, हमें इसको इतनी तरजीह नहीं देते कि यार ये हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वही होता है कि यार पेन नहीं, यार ओ पेन कोई नहीं है,
तो फिर याद आती है कि पेन हमने ख़रीदना है। अगर ये मेरे ऑफिस एक बार आ जाते हैं हर महीने तो दो फ़ायदे होंगे, एक तो इनकी डायरेक्ट सेल हो जाएगी। अच्छा जी, मुझे ना आपके पास एंड्रॉयड की केबल हैं, iOS के दो चार दे दें, एक दो हेडफोन दे दें, एक माउस दे दें, मुझे दो बंडल पेन के दे दें, कुछ कॉपियाँ दे दें, सो रिम्स ऑफ पेपर दे दें, एक तो दस्ती सेल होगी, दूसरी हमारी सलामत लिखी होगी। भाई जान चाय पी के तो आपने जाना ही है। अब हम ना ऑलमोस्ट मर्द इज़ अ पुतला ऑफ हैबिट्स, ओके, वही नाई, वही दर्जी, वही कपड़े की दुकान, वही फलाना फलाना। तो अब हम इनके साथ हमारी रिलेशनशिप बन गई, हमारे बिजनेस कार्ड प्रिंट कर दीजिएगा, हमारे पोस्टर कर दीजिएगा, एसन भाई, एसन भाई, एसन भाई, ओके। सो अब उनका रबता, ही हैज़ वन फुट इन द डोर, एक कदम इनका हमारे दर के अंदर आ गया, अपने हो गए हैं वो रिलेशनशिप। और हमें ये पता होता है कि हर महीने ये आ जाएंगे, यार ये एसन भाई ये कीबोर्ड दे दीजिएगा। सो नाउ यू आर टेकिंग द स्टेशनरी इन टू ऑफिस सप्लाईज, छोटे मोटे केबल्स, USBs और फिर सर्विसेज वगैरह वगैरह, फिर आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दैट्स हाउ यू हैव टू टेक दिस बिजनेस, अगर आपने इसमें पैसे कमाने हैं और अगर आपको मार्केटिंग करनी है। और मैंने कहा यार ये छोटा सा शहर है, छोटे की एक शहर में भी अगर आप यानी गर्दिश करके आ जाएं तो लाख डेढ़ का इनके पास ऑर्डर भी होगा, 1.5 लाख इनके पास कैश भी होगी, वो जो सामान उन्होंने उस वक्त फौरी बेचा। ऑल यू नीड इज़ छोटा सा यार, जो आपकी गाड़ी की बूट है वो ले जाओ, वहाँ पे बड़ा हुआ हो, अनलेस कि आप घंटे के अंदर दे सकते हो, लेकिन अगर आप दस्ती वो सामान दे सकते हो तो दैट वुड बी रियली रियली गुड। वो हमारे हैं ना हान भाई, यूजली बोलता हूँ कि मैंने पंजाबी कम भाई देखे, हान भाई हमारे, उन्होंने केबल्स वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं और हेडफोन्स वगैरह दस्ती बेच रहे होते हैं। वो करना पड़ता है, करना पड़ता है टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। बाद में क्या होगा, अब हमारे से अगली इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर कुछ बिक जाएगा और फिर उसके सारे एम्प्लॉयज़ विल नो हिम, एंड इनके ग्राहक इस तरह बढ़ते हैं और आपको भी अपने ग्राहक इस तरह बढ़ाने पड़ेंगे। अपनी दुकान पे बैठे रहोगे, खासतौर पे इस कोरोना के ज़माने में। डिड कोरोना अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे? किया होगा, यस, हाँ, जिस तरह मेरे एजुकेशन बिजनेस को उसने हिट किया, मैं कह सकता हूँ आराम से 75-80% वक्त जो है वो लॉकडाउन में हम रहे हैं। यहाँ पे कल फिर से लॉकडाउन लग चुकी है, एंड आई एम नॉट श्योर कि एजुकेशन को कब बंद करते हैं। फिलहाल रेस्टोरेंट्स वगैरह को उन्होंने बंद किया है, बट आई एम श्योर एजुकेशन विल बी अफेक्टेड ऑल्सो। तो आप भी जाहिर है उसके साथ आपका मुंसलिक है। सो जब मुश्किल आती है, दैट इज़ जब पता चलता है कि बिजनेसमैन कौन है। आपको अडाप्ट करना पड़ता है, अपने आप में से निकल के जाके चीज़ें बेचोगे तो पैसे कमाओगे। एसन भाई थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आपको अगर कुछ शक था, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसका मार्जिन क्या है, कहाँ से ये चीज़ निकलती है, आती है, तो बाकी आपको समझ लग गई। मार्जिन भी आई थिंक इज़ अ वेरी रीजनेबल, बाकी लोकेशन आपकी अपनी हिम्मत, आपने कहाँ खोलना है, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। पाकिस्तान जिंदाबाद, लगे रहो मेरे बब्बर शेर, मिले ना रहो। एंड अगर आपको मेरी कहानी नहीं पता, तो 12 साल की उम्र में मैंने टॉफियाँ बेचना शुरू की थी, 21 साल की उम्र में मैं डॉलर मिलियनेयर बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह, आईटी की इंडस्ट्री में, गेम्स की इंडस्ट्री में, एंड वो कहानी मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लेना इफ़ नथिंग एल्स। हम दोनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोशिश